ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है जी, सिंप्लीफाई करना आपने। पार्ट नंबर वन कर देता हूं, थ्री का पार्ट वन है जी। सॉल्यूशन ए बी स्क्वायर सी पावर माइनस वन, तो पावर हो जाएगी जी माइनस थ्री। बेटे इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये जी, किसको मल्टीप्लाई करें हर एक के साथ, ये वाला रूल लगाएं। ए पावर माइनस थ्री हो जाएगा, बी पावर माइनस सिक्स हो जाएगा, और सी पावर क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन आर थ्री। ठीक है, अब आप देखिए कोई पावर नेगेटिव है कि नहीं है, तो आपको नजर आएगा कुछ पावर नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव करें जी। सी पावर थ्री है ना, ए पावर माइनस थ्री है, इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री। बी पावर माइनस सिक्स है ना, इसको जब डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स। ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। बेटा तीसरे का दूसरा पार्ट आप खुद ही करेंगे, इस जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तीसरे का तीसरा पार्ट कर रहा हूं जी। टू बाय थ्री है, ए पावर माइनस वन है बेटा, और बी पावर माइनस टू है, होल पावर कितनी है जी, माइनस थ्री है जी। ठीक है, इसको करने की भी दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर मैं ऐसे ही करूं अरे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना जाएगा जी, टू पावर माइनस थ्री, ए पावर कितना जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन थ्री, थ्री पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और बी पावर कितना जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, थ्री टू आर सिक्स। आप देखिए कोई पावर नेगेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये थ्री पावर माइनस थ्री है ना, इसको ऊपर ले आए, थ्री पावर हो जाएगा प्लस थ्री, और ए पावर सिक्स, ये बी पावर सिक्स सब जगह पे मौजूद है। ये टू पावर माइनस थ्री है ना, इसको नीचे ले आए, टू पावर क्या हो जाएगा प्लस थ्री। आखिरी स्टेप जी, थ्री पावर थ्री होता है 27, ए पावर सिक्स, टू पावर थ्री होता है एट, बी पावर सिक्स। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इसका फोर पार्ट करते हैं जी, थ्री का फोर पार्ट। सॉल्यूशन ए स्क्वायर बी पावर माइनस थ्री पावर ए स्क्वायर बी पावर माइनस टू, ये करती है। इस सूत्र फटाफट लिख ले, स्क्रीन शॉट भी आप बेटा ले सकते हैं। ठीक है, पिक ले सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा बेटा अब आप देखिए, ए पावर ये वाला टू प्लस टू है, ऊपर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस टू। ठीक है, ये बी पावर माइनस टू, ये बी पावर माइनस, प्लस थ्री टू कितना है जीरो, तो बी पावर कितना जाएगा थ्री माइनस टू वन। ठीक है, ए की पावर जीरो कितना होता है बेटा, आपने रूल पढ़ा था आठवां रूल, वन जाएगा बी, बी पावर वन बी होता है। ठीक है, ओके बेटा, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका खत्म। इसका फोर का पार्ट करते हैं जी, फोर का पार्ट यहां पूरा हो जाएगा। फोर का पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास हो
वन सॉल्यूशन माइनस सिक्स ए पावर फाइव वाई पावर माइनस फोर इंटू माइनस ए पावर सेवन वाई, ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, अच्छा देखिए माइनस माइनस प्लस सिक्स वन दा सिक्स ए पावर कितना हो जाएगा जी, ए पावर हो जाएगा आपके पास फाइव, ये प्लस सेवन है ना, फाइव प्लस सेवन ठीक है, और वाई पावर कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन, इस वाई की पावर कितनी है वन है, ये एड हो जाएंगे ठीक है, सिक्स गया ए पावर हो जाएगा तकरीबन ट्वेल्व, वाई पावर कितना जाएगा माइनस फोर प्लस वन कितना होता है माइनस थ्री ठीक है। अब आप गौर करें तो कोई पावर नेगेटिव है उसको करना है पॉजिटिव, ए पावर ट्वेल्व है ना, ये देखिए वाई पावर माइनस थ्री है, इसको नीचे ले आए, वाई पावर क्या हो जाएगा प्लस थ्री ठीक है, बात खत्म हो जाएगी बेटा, ये आपका आंसर आएगा फिर। फोर का दूसरा पार्ट बेटा ऐसे ही है जैसे वन है, ये आपको होमवर्क होगा। फोर का तीसरा पार्ट करते हैं बेटा, क्या है बेटा 56 एक्स वाई पावर माइनस थ्री थ्री और सेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है जी। ठीक होगा बेटा, अच्छा एक सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बेटा, तो 56 फिलहाल यू लिखे 56 जी स्क्वायर सेवन ये आ गया, एक्स पावर टू ये एक्स पावर वन है ना, इसको नीचे ले आए माइनस वन कर दें, अच्छा वाई पावर टी टू ये वाला ये माइनस थ्री है ना, इसको नीचे ले आए प्लस थ्री कर दें बेटा, और ये वाला जो जेड क्यूब था ये अपनी जगह पे मौजूद है, इसके साथ छेड़ी नहीं की, जेड क्यूब अपनी जगह पे मौजूद है, यहां से कैंसिल हो सकता है बेटा, सेवन वन सेवन सेवन एट दार 56 एट आ जाएगा, जेड पावर थ्री एक्स हो जाएगा, एक्स पावर वन देखिए एक्स देखिए बात एक ही होती है टू माइनस वन ठीक है, और वाई पावर कितना हो जाएगा जी टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव ठीक है, बेटा शाबाश इसको। लिख लिया बेटा, गुड बेटा क्वेश्चन नंबर इसका फोर करते हैं, फोर का पार्ट नंबर फोर, क्वेश्चन फोर पार्ट नंबर फोर सॉल्यूशन 24 एल स्क्वायर एम पावर फोर एन पावर थ्री ओवर एट एल
एम स्क्वायर एन पावर फाइव होल पावर थ्री। ये जी क्वेश्चन आपके पास, देखें 24 ये लिख रहे हैं, एल पावर टू ये एल पावर एल फोर ये प्लस टू है, इसको ऊपर ले जाएं माइनस टू कर दें, ये वाला एट आ गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, एन पावर फाइव ये प्लस थ्री आए, ठीक है। अब यहां से एट वन आ रहे, एट थ्री आ कितना होता है 24, थ्री आ जाएगा जी, एल आ जाएगा ऊपर, पावर कितनी हो जाएगी मेरे बेटा थ्री, ठीक है। अब अलग अलग पावर लीजिए, थ्री पावर थ्री एल पावर थ्री एम पावर कितना हो जाएगा थ्री टू दार सिक्स एन पावर ठीक है थ्री पावर 27 एल क्यूब एम सिक्स एन पावर सिक्स, ठीक है। ये आपको का आंसर, बेटा क्वेश्चन नंबर फोर है, पार्ट नंबर फाइव है, सॉल्यूशन है बेटा। अच्छा जी, यहां मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, देखिएगा अच्छा जी बेटा क्वेश्चन कुछ यूं है, 14 एक्स पावर माइनस टू वाई पावर माइनस फोर ओवर 7 एक्स पावर माइनस थ्री वाई पावर माइनस सिक्स होल पावर कितनी है मेरे बेटा की माइनस टू है जी। बेटे को करने के बहुत सारे तरीके कार हैं, पहला तरीका कुछ हुए जी, ये देखा जी 14 पावर माइनस टू एक्स पावर माइनस माइनस प्लस कर दो कितना हो जाएगा मेरा बेटा, बहुत सारे तरीका हैं करने के ना, ऐसे करूं एक तरीका ये भी है जी देखिए, या बल्कि ऐसे नहीं करता मैं, किसी और मेथड से करता हूँ, आसान से करता हूँ। देखिए बेटा 7 1 7 7 2 14 2 हो गया, x पावर माइनस टू है ये माइनस थ्री है ना पूरा कितना थ्री कर दे, y पावर माइनस फोर है ये माइनस सिक्स है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स, आपके लिए मैं आसानी करता हूँ, ये हो जाएगा जी माइनस टू। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन करने के तीन प्रकार हैं, उनमें से एक ये हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा वाई पावर टू हो जाएगा होल पावर की माइनस टू, तो आप इसे लिख सकते हैं जब भी माइनस टू हो तो आप इसे लिख सकते हैं क्या जी 1 ओवर 2 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन की शक्ल में, तो ये माइनस टू क्या हो जाएगा ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से प्लस करने के लिए मैंने 1 अपॉन की शक्ल में लिखा, आपने रूल पढ़ा था ए पावर माइनस एन, ये पूरा ए है इक्वल होता है 1 ओवर ए पावर एन के, पूरा आपने पढ़ा है, ये वाला कहां लगा है लगा है, ठीक है। ये पूरी चीज को मैंने एक ये देखा जी 2 पावर 2 यहां से भी दो तीन तरीके कार्य करने के, उनमें से मैंने एक ही काम किया है 2 पावर 2 x पावर 2 y पावर कितना जाएगा 4, ये लास्ट स्टेप है दिया आपका 2 पावर 2 कितना होता है 4 x स्क्वायर y पावर कितना हो गया बेटा 4, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा।
तो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 इस जैसे ही है बेटा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? बिल्कुल जैसे ही है सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरा बेटा, ठीक है? अगर किसी बच्चे का रह गया है आप स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले मेरा बेटा। अच्छा बेटा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।